हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम सीमा सैनी को एज ए मॉडर्न पोएट डिस्कस करेंगे, सो लेट्स जंप इनटू इट। सीमा सैनी 20th सेंचुरी के एक इम्पॉर्टेंट पोएट है और वो जिस तरह की थीम्स और टेक्निक्स यूज करते हैं उसके लिए उन्हें मॉडर्न पोएट भी कहा जाता है। सीमा सैनी के कुछ इम्पॉर्टेंट पोएम्स के नाम हैं डिगिंग, ब्लैकबेरी पिकिंग, डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट और द फॉर्ज। सीमा सैनी के एक्सेप्शनल लिटरेरी करियर के लिए उन्हें 1995 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब हम कुछ मॉडर्निस्ट एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि सीमा सैनी को एक मॉडर्न पोएट बनाता है। और जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है सीमा सैनी के पोएट्री के मॉडर्निस्ट एलिमेंट का, वो है एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म एंड लैंग्वेज। दूसरे मॉडर्निस्ट पोएट्सों की तरह सीमा सैनी भी अपने फॉर्म और लैंग्वेज को लेकर बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो अपने ज्यादातर पॉइंट्स में अनकन्वेंशनल सिंटेक्स या सेंटेंस फॉर्मेशन और ग्रामर का यूज करते हैं। और उनके पॉइंट्स के एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इंजम्बमेंट, यानी वो पॉइंट्स के लाइन को बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में ब्रेक करते थे। सीमा सैनी ने अपने पर्पस अनुसार ट्रेडिशनल फॉर्म्स जैसे सोनेट और विलानिल में भी एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैंने ऑलरेडी इंजम्बमेंट, सोनेट और विलानिल के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। सो सीमा सैनी का इस तरह फॉर्म और लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट करने को हम ट्रेडिशन को ब्रेक करना और न्यू पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना कह सकते हैं, जो कि मॉडर्निस्ट ट्रेडिशन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा मॉडर्निस्ट कैरेक्टरिस्टिक है फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड द सब्जेक्टिव। मॉडर्निस्ट लिटरेचर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और सब्जेक्टिविटी पर ज्यादा इम्फेसाइज करती है। और सीमा सैनी भी अपने पोएम्स में पर्सनल एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज को प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनके पोएम डिगिंग में पोएट उनके फादर का वर्क एज ए फार्मर और उनका वर्क एज ए पोएट को कंपेयर करते हैं और इस बात पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन या करियर को चूज किया। और सीमा सैनी का इंडिविजुअलिज्म और सब्जेक्टिविटी पर फोकस करना उन्हें एक मॉडर्न पोएट बनाती है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है अटेंशन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर। जो मॉडर्न पोएट्स थे वो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आइडेंटिटी और कल्चर पर ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, जो कि हम सीमा सैनी के पोएट्री में भी देख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम उनके पोएम पनिशमेंट में देख सकते हैं। ये पोएम एक यंग वोमेन की बॉडी की डिस्कवरी के बारे में है जो एंशियंट आयरलैंड में पनिशमेंट किलिंग का विक्टिम बनी थी। इस पोएम में एक तरफ स्पीकर उस वोमेन के लिए सिंपैथी प्रेजेंट करते हैं और दूसरी तरफ उन कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में कहते हैं जिसके कारण उस वोमेन का डेथ हुआ। सीमा सैनी पूरी पोएम में सिंपैथी और अवेयरनेस के टेंशन को दिखाते हैं और साथ साथ उस वोमेन के बॉडी को बहुत डेलिकेटली और विविडली डिस्क्राइब करते हैं, जो कि डायरेक्टली उस वोमेन पर किए गए ब्रूटल वायलेंस से कॉन्ट्रास्ट करती है। सिंबोलिज्म और इमेजरीज का यूज करना भी मॉडर्निस्ट राइटर्सों का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और सीमा सैनी भी अपनी पोएट्री में सिंबोलिज्म और इमेजरीज का यूज करते हैं ताकि वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज और इमोशंस को एक्सप्लोर कर सके। उनकी पोएम ब्लैकबेरी पिकिंग में सीमा सैनी ब्लैकबेरीज के इमेजेस को यूज करते हैं ताकि वो थीम्स जैसे डिजायर और लॉस को एक्सप्लोर कर सके। और ठीक उसी तरह डिगिंग पोएम में सीमा सैनी डिगिंग का इमेज यूज करते हैं ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के टेंशन को प्रेजेंट करने के लिए। सो हम अंत में कह सकते हैं कि सीमा सैनी अपने पोएट्री के जरिए ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की कॉम्प्लेक्सिटी और रिचनेस को दिखाते हैं, जो कि उनके पोएट्री को पर्सनल बनाने के साथ साथ यूनिवर्सल भी बनाती है। सीमा सैनी का लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट करना, कल्चर, आइडेंटिटी और सब्जेक्टिविटी पर इम्फेसाइज करना, ये सभी सीमा सैनी को 20th सेंचुरी का इम्पोर्टेंट मॉडर्न पोएट बनाता है। और उनके वर्क्स आज भी बहुत पढ़े जाते हैं
और एडमायर किए जाते हैं। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।